नए साल यानी कि 2024 के मौके पर इसरो बड़ा धमाका करने वाला है। जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद सूरज की गुत्थिया सुलझाने के बाद अपने नए मिशन पर लग गया है। हेलो, मैं हूँ भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। दरअसल इसरो नए साल के मौके पर अपना नया मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के जरिए इसरो अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करेगा और रहस्यों को सुलझाएगा। जानकारी के अनुसार एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च होगा और ये भारत का पहला पोलारीमेट्री मिशन होगा। इसरो ने घोषणा की है कि एक्सपोसैट मिशन पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। नए साल की सुबह करीब 9:10 पर ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की तरह ही ये मिशन भी भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि एक्सपोसैट मिशन क्या है और ये किस तरह से काम करेगा। एक्सपोसैट मिशन क्या है? एक्सपोसैट मिशन भारत का पहला पोलारीमेट्री समर्पित मिशन है। एक्सपोसैट मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करना है। आपको बता दें कि पोलारीमेट्री मूलतः प्रकाश का गुण है। अंतरिक्ष में एक्सरे पोलारीमेट्री कैसे काम करता है, इसका अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है और उसका ऊर्जा स्रोत क्या है। इससे ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प घटनाओं जैसे कि सुपरनोवा विस्फोटों के रहस्यों का पता भी लगाया जा सकता है। खगोलीय प्रक्रियाओं और उनके द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की जांच करके खगोलविद ऐसी कई घटनाओं का पता लगा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट मिशन कैसे काम करेगा। एक्सपोसैट लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट लगभग पृथ्वी की 650 किलोमीटर की निचली कक्षा लियो में स्थापित होगा और 5 सालों के लिए डेटा प्रदान करेगा, जिसके बाद वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। एक्सपोसैट सैटेलाइट में 2 मुख्य पेलोड होंगे जो बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए गए हैं और दूसरा इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये दोनों पेलोड ही जानकारी इकट्ठा करेंगे और वैज्ञानिकों तक पहुंचाएंगे। दुनिया का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन। आपको बता दें कि अब तक ऐसा मिशन केवल नासा ने ही किया है। नासा ने अपना पोलारीमेट्री मिशन IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर 2021 में लॉन्च किया था। इस मिशन ने अपना 2 साल का मिशन जीवन पूरा कर लिया है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब नासा के मिशन के बाद भारत 2024 के शुरुआत में अपना पोलारीमेट्री मिशन लॉन्च कर रहा है, जो भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है और नासा के बाद दुनिया का दूसरा मिशन भी है। इसरो के पोलारीमेट्री मिशन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।